आज हम पढ़ेंगे कक्षा दो में विषय हिंदी पाठ छः बगीचे में। तो देखो अवलोकन और चर्चा, यहाँ पर आपको चित्र दे रखा है। इस चित्र में क्या क्या है, तो देखो मंदिर है, झूला है, लपसनी खाने वाला है, फिर यहाँ पर फुहारा दे रखा है, गार्डन है, पीने का पानी है। इस चित्र में जो जो है वो आपको देखना है। यहाँ पर दे रखा है गीत, सूरज, उगता सूरज जिधर सामने उधर खड़े हो मुँह करके तुम, ठीक सामने पूरब होता और पीठ पीछे पश्चिम। ठीक सामने हमारे पूरब होता है और पीठ पीछे पश्चिम होता है, ठीक है। बाईं ओर दिशा उत्तर है, दाईं ओर तुम्हारे दक्षिण, यानी बाईं ओर हमारे दिशा उत्तर होती है और दाईं ओर दक्षिण। चार दिशाएं होती हैं यूँ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, यानी चार दिशाएँ होती हैं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। रखा है मैदानी खेल, पढ़ो, सूरज पूरब दिशा में उगता है, शाम को पश्चिम दिशा में अस्त होता है, दोपहर के समय सूरज सिर पर तपता है, सूर्य उदय और सूर्यास्त के आधार पर हम दिशाएं जान सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है पढ़ो, मेरा नाम राजू है, मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ, मेरे घर के पूरब में राम जी भाई रहते हैं, मेरे घर के पश्चिम में महेश भाई रहते हैं, मेरे घर के उत्तर में मीना बहन रहती हैं, मेरे घर के दक्षिण में हरी भाई रहते हैं, मेरा घर पाठशाला के पूरब में है। अब यहाँ पर आपको दे रखा है, लिखो, ठीक है। मेरा नाम, मैं कक्षा में पढ़ता हूँ, मेरे घर के पूरब में खाली जगह रहते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा। देखिए लिखा है लिखो, पढ़ना तो पढ़ूँगा, दौड़ा तो दौड़ूंगा, देना तो दूंगा, रहना तो रहूंगा, भागना तो भागूंगा, जागना तो जागूंगा, सोना तो सोऊंगा, रोना तो रोऊंगा। इस तरह से वाक्य बना करके लिखना रहे। देखिए यहाँ खाली जगह दे रखी है, रिक्त स्थान भरिए। पहला है सूरज खाली जगह दिशा में उगता है तो पूरब, फिर सूरज खाली जगह दिशा में अस्त होता है तो पश्चिम। फिर देखिए सूरज के सामने खड़े रहने पर हमारी बाईं ओर खाली जगह दिशा होती है और दाहिनी ओर दिशा होती है तो उत्तर और दक्षिण। डूबते हुए सूरज की ओर मुंह करके खड़े होने पर दाहिनी ओर खाली जगह दिशा और बाईं ओर खाली जगह दिशा होती है तो पश्चिम और दक्षिण, ठीक है। इसी तरह से ये भी दे रखा है यहाँ पर, पूरब दिशा की तरफ मुँह करके खड़े रहे तो हमारे पीछे दिशा आएगी, तो कौन सी दिशा आएगी, पश्चिम। फिर पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके खड़े रहे तो हमारे पीछे पूरब दिशा आएगी। प्रश्न नंबर 4 में पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 42 पर दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक दो शब्दों में लिखिए। पहले नंबर पे सूरज कब निकलता है, तो सुबह 6 बजे, ठीक है। दूसरा है सूरज किस दिशा में अस्त होता है, तो पश्चिम में। उदय होने की दिशा क्या कहलाती है, तो पूरब। अस्त होने की दिशा क्या कहलाती है, पश्चिम। सूरज कब सिर पर चढ़ता है, तो दोपहर। सूरज किस समय अस्त होता है, तो शाम, ठीक है। ये सभी को आपको अपनी कॉपी में लिखना रहेगा।